हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव स्टार्ट चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज पार्ट 1। फर्स्ट आई एक्सप्लेन व्हाट इज चेंज। चिल्ड्रन, आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है डेली, मतलब बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में हम लोग देखते हैं डे टू डे। मीन्स फॉर एग्जाम्पल दीदी, जैसे घर पर आपकी मम्मा बोलती है आपको कि मतलब शुगर को वाटर में डिजॉल्व करो, तो चिल्ड्रन जैसे ही आप शुगर को वाटर में ऐड करते हो तो सब थोड़ी देर बाद में आप देखोगे तो जो शुगर है वो क्या हो जाती है, वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, मतलब बिल्कुल दिखेगी नहीं आपको। सेम यदि मैं कि मीन्स मिल्क से कर्ड का फॉर्म हो रहा है तो ये भी एक टाइप का चेंज है। ओके, कुछ मतलब जैसे रबर बैंड है आपके पास में और रबर बैंड को आप स्ट्रेच किया तो मीन्स पहले जो उसका साइज था फिर नॉर्मल जब उसको आपने स्ट्रेच किया तो साइज में चेंज हो गया, तो ये भी एक टाइप का चेंज है। तो ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो हम अपनी लाइफ में मतलब डेली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो अभी जो पॉइंट है आपका कि जो चेंजेस हैं आर टू टाइप्स, जो है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ओके चिल्ड्रन, तो फर्स्ट आई एक्सप्लेन फिजिकल चेंजेस। ओके, देन आपका फिजिकल चेंजेस। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो फिजिकल चेंज क्या है कि कोई भी जो सब्सटेंस है, ओके चिल्ड्रन, उसका जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले आपको बोला होना चाहिए कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी सब्सटेंस का कलर, शेप, साइज, स्टेट ऑफ मतलब स्टेट, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस आता है तो दीज टाइप चेंजेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। चिल्ड्रन, यहाँ इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, अ चेंज इन व्हिच अ सब्सटेंस अंडरगोस चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ओके चिल्ड्रन, अब बात आती है कि हमें क्या चीजें हैं, जैसे कलर है, शेप, साइज, स्टेट और सब्सटेंस, मतलब जो स्टेट का मैं सिंपली आपको बता देती हूँ कि स्टेट यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है और गैसेस फॉर्म, जैसे कोई भी जो सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म, जैसे एग्जांपल है वाटर, तो वाटर जो है इन तीनों स्टेट में मतलब होता है, सॉलिड, गैस और लिक्विड फॉर्म। ओके चिल्ड्रन, अभी बात की जाएगी कि सब्सटेंस है उसको कलर, मतलब पहले चेंज से पहले कुछ और था, चेंज होने के बाद में कलर चेंज हो गया, तो ये भी जो है इस टाइप के कलर में कोई चेंज हुआ तो भी वो फिजिकल चेंजेस नहीं आएगा। शेप में चेंज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ कि एक पेपर है, सब कुछ एक पेपर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप है, अभी मैं इसको फोल्ड कर दूँ। ओके चिल्ड्रन, तो मैंने इसको फोल्ड किया तो अभी जो इसका शेप है, जो लार्ज था अभी इतना स्मॉल शेप रह गया, तो मीन्स अभी ये जो चेंज हुआ ये भी एक टाइप का चेंज है और ये क्या बनाएंगे इसको हम फिजिकल चेंज में इंक्लूड करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपका हैंड रूल भी किया हुआ है कि जो फोल्डिंग ऑफ पेपर मीन्स प्रॉपर जो उसका पेपर है, यदि मैं बात करूँ कि पेपर है नॉर्मली, ठीक है, पेपर को मैंने नॉर्मली पहले लार्ज था और उसको मैंने फोल्ड किया तो उसका शेप चेंज हुआ। ओके चिल्ड्रन, बट जो कि मतलब जो इनसाइड की जो प्रॉपर पेपर है, पेपर का फॉर्म कोई ऐसा नहीं है कि मेटल में कन्वर्ट हो गया हो, कि स्टोन में कन्वर्ट हो गया, नो, पेपर का पेपर फॉर्म ही रहेगा। ओके, ओनली उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चिल्ड्रन हम हमेशा ध्यान रखो कि जो उसका आउट कोई भी सब्सटेंस है उसको जो हम बाहर से देख रहे हैं वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और मैंने यहाँ शो कर दी है। ओके चिल्ड्रन, देन मैं रीड कर देती हूँ, आपका पेज नंबर है आपके 58 पेज नंबर पर आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कुछ आपको फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज दी हुई है, मतलब दिए हुए एक्टिविटीज दी हुई है कि जैसे पीस ऑफ पेपर इन, फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ 6.1, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीस, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इन टू 4 स्क्वायर पीस, ले दीज पीसेज ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीस एक्वायर द शेप इज ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। You cannot join the piece back to make the original piece, but is there a change in the property of paper? क्या हुआ इसमें, कि मीन्स वही जैसे आपने पेपर है, ये पेपर है जिसको मैं कट कर दूँ स्मॉल पीसेज में, ओके, और स्क्वायर शेप में, तो शेप तो वही है लेकिन जो साइज है वो छोटी हो जाएगी, तो साइज में चेंज हो गया, तो दीज टाइप जो चेंज है वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे आप फिजिकल चेंजेस में। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है इसके बाद, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन अ फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम, आपने देखा होगा क्लासरूम में जब चॉक से लिखते हैं तो देन उसका डस्ट जो पाउडर है उसको, एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, रोल इट इन टू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक लेट इट ड्राई, मतलब मीनिंग है कि जो चॉक का पीस है ओके वो सॉलिड फॉर्म में, अभी उसको आपने क्रश करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, पाउडर फॉर्म में, और पाउडर फॉर्म को वापस से आपने वाटर में मिक्स करके थोड़ा पेस्ट बनाया और उसको वापस से
एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर वापस से चौक का शेप ले लिया, मतलब शेप में चेंज हुआ, ठीक है। तो चलो ये जो प्रॉपर्टी है ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। ओके चलो नेक्स्ट कंटिन्यू प्लीज। टेक सम आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। चिल्ड्रन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में मतलब जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दी थी, सपोज एक बीकर है, ओके, उसमें आपने आइस की क्यूब रखे, ओके चिल्ड्रन आइस क्यूब्स है, और जैसे ही आइस क्यूब को हम सनलाइट में रखेंगे, देन आफ्टर सम टाइम बाद आप देखोगे कि मीन्स जो ये आइस क्यूब थे ये मेल्ट, पहले तो किस फॉर्म में थे, सॉलिड लिक्विड सॉलिड फॉर्म में, देन मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में, ओके चिल्ड्रन। यहाँ पर भी जो है किसमें चेंज आया, सब्सटेंस की स्टेट की फॉर्म में चेंज आया, ये मीन्स पहले सॉलिड फॉर्म में आइस क्यूब थे, उसको सनलाइट के थ्रू किया, हीट प्रोवाइड किया, दैट टाइम वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में, ओके आइस कन्वर्ट हो गया वाटर फॉर्म में। तो ये भी चेंजेस जो है आइस कन्वर्ट इन टू वाटर, इट इज अ फिजिकल चेंजेस। ओके चिल्ड्रन, ये आपका एक्टिविटी 6.3 था। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.4 आपका दिया हुआ है, boil some water in a container, do you see the stem rising from the surface of water, hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water, observe the inner surface of your pan of the pan। इसमें भी क्या वैसे ही सपोज तुम्हें इसी एक्टिविटी को आगे लेते हो कि अभी ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, इसी लिक्विड में ले लेते हैं कि जो आइस क्यूब था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है, देन इसको हम और अभी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देख जो ये वाटर है इससे क्या होगा, इसमें से स्टीम फॉर्मेशन होगा। तो ये जो चिल्ड्रन जो स्टीम फॉर्म है, ओके मीन्स अभी क्या कहा, ये लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया, गैसेस फॉर्म है, तो ये भी टाइप का जो क्या चेंज होगा, फिजिकल चेंज। ओके अब यदि इसके हम ऊपर एक मतलब कवर रख लें तो भी कोल्ड सर्फेस लाएं, तो देन जो स्टीम है अगेन कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, लिक्विड में चल रहा है। ओके तो मीन्स इससे एक पॉइंट निकल के आता है कि जिनमें भी ऐसे सब्सटेंस जिनमें फिजिकल चेंज हो रहा है, ओके चिल्ड्रन जिनमें फिजिकल चेंज होगा उसमें जो प्रोसेस होगी वो रिवर्सिबल होगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मीन्स ये जो फिजिकल चेंजेस हैं इट इज जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मीन्स इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, ओके रिवर्सिबल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एग्जांपल आपका आइस का ही ले रहे हैं कि मीन्स आइस जो है, ठीक है, उसको हमने हीट प्रोवाइड किया, देन आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, ओके चिल्ड्रन यदि इस वाटर को हम कूलिंग प्रोवाइड करें देन कूलिंग से वापस वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस की फॉर्म में। तो चिल्ड्रन ये जो प्रोसेस है मीन्स एक बार रिएक्शन इधर कंप्लीट हो गई फिर रिएक्शन दोबारा वापस से आ रही है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके चिल्ड्रन तो जितने भी मोस्टली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें प्रोसेस कौन क्या होंगी, सारी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ओके चिल्ड्रन तो देन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और न्यू सब्सटेंस इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है ये स्टेबल नहीं है, जैसे वाटर है ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये न्यू सब्सटेंस नहीं है, बिकॉज इसको हमने कूलिंग प्रोवाइड किया तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा आइस की फॉर्म में। ओके चिल्ड्रन तो ये हमें जो फिजिकल चेंजेस के साथ में ये टू पॉइंट्स भी लर्न करने कि इट इज जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ओके चिल्ड्रन ये इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस मीन्स आइस क्यूब का मेल्ट होना, फोल्डिंग ऑफ पेपर जो मैंने आपको शो कर दिया, क्रशिंग ऑफ कैन, कुछ भी जो कोल्ड ड्रिंक का कैन आता है एल्यूमिनियम का कैन, यदि उसको आप क्रश करोगे तो उसका जो साइज शेप है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन कैन जो मेटल जिस कैन मतलब कैन जिस मेटल का बना है वो प्रॉपर्टी उसकी वो सेम ही रहेगी। ओके क्रश मतलब शेप और साइज में चेंजेस आ जाएंगे। ओके चिल्ड्रन नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बाद केमिकल चेंजेस, मैं उसे पहले आपको रीड कर देती हूँ, आपका पेज नंबर 59 पर ही पैराग्राफ है। यस सेकेंड पैराग्राफ है आपका, प्रॉपर्टी सच एज शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस
substance are called its physical properties. A change in which a substance undergoes a change in its physical property is called a physical change. It is very important. Yeah, पूरा मतलब underline कर लेना. It's very important line your textbook. A physical change is generally reversible होती है. In such a change, no new substance is formed. मैंने जो points आप बोला वो सारा यहाँ लिखा हुआ है. Then आप उसके notes की तरह ले सकते हो. Okay, children. Next आपका जो है chemical change. Chemical change में children जो भी start हो सके आपको बता देती हूँ कि chemical change में जो हम देखेंगे वो chemically nature देखेंगे किसी भी substance का. Okay, children. Then वो क्या है मैम? केमिकल चेंज में जो हम मोस्टली फाइंड करेंगे कि जो कोई भी सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है. ओके, किसी जो भी सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल यदि बात की जाए कि कोई जो सब्सटेंस है, ठीक है, उन सब्सटेंस कैसे होते हैं? फ्लेमेबल होते हैं. उन सब्सटेंस कैसे होंगे? इनफ्लेमेबल. कोई ईजिली फायर कैच कर लेगा, कोई नहीं कर पाएगा ईजिली. ठीक है, सेकेंड जैसे और एग्जाम्पल लेके क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम कि कोई सब्सटेंस जो है रिएक्टेबल ज़्यादा होंगे और कुछ सब्सटेंस रिएक्टेबल नॉन रिएक्टिव के फॉर्म में होंगे. इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ कि कोई भी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ठीक है, यदि वो आप लो और उसको वाटर में काफ़ी टाइम तक आप डिजोल्व करके रखो, वाटर में मतलब वाटर के कॉन्टैक्ट में रखो कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो आफ्टर सम टाइम बाद में आप उस पर देखोगे कि रस्ट मतलब थोड़ा उनका कलर चेंज हो जाएगा और रस्टिंग फॉर्म आ जाएगा उसके ऊपर. ओके जनरल. लेकिन यदि मैं बात करूँ कि कोई गोल्ड जो गोल्ड आइटम का ज्वेलरी हो तो उसको आप वाटर में डाल के इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज जो गोल्ड है वो एकदम से रिएक्टिविटी शो नहीं करता है, उसका जो रिएक्टिविटी है वो लेस होगा चलेगा. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है कि फ्लेमेबल मतलब फ्लेमेबिलिटी हो या रिएक्टिविटी हो, ये सब उसकी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो